पता नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। बचपन से ही मुझे खेलने का बड़ा शौक था और खाने पीने का भी। मीठा मैं बहुत खाता था, घर के काम में कभी नहीं करता था, ज़्यादातर भाग ही जाता था काम से और खेलने चला जाता दोस्तों के साथ। जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे अंकल कॉलेज टाइम में बॉक्सर थे, वो बॉक्सिंग करते थे, तो उन्होंने ही कहा। स्टार्टिंग में मेरे कज़न ब्रदर और मेरे एल्डर ब्रदर वो भी साथ में थे, तो हम गांव के सरकारी स्कूल में जाते थे सुबह 4 बजे उठ के अंकल के साथ और वहीं पे अपना ट्रेनिंग करते थे। मुझे याद है जब मैं 2002 में दिल्ली गया था, तो मैं अपने हॉस्टल में सबसे छोटा था जो वहाँ पे गया था, तो सभी सीनियर्स थे मेरे, सभी मुझसे काम भी कराते थे। चल छोटू भाग, दूध लेके आ, कभी ये लेके आ, चलता रहा ऐसे ही, कभी चोट लगती तो कभी खुद ही देख लेते। लेकिन मैंने सब चीज़ें इन्जॉय की वहाँ पर, मुझे कभी लगा नहीं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या कुछ ऐसा मैं कर नहीं सकता। मुझे स्टार्टिंग में जब राजकुमार सावंत सर की अकेडमी में जब मेरे ज़्यादा सीनियर्स आते थे, इंडिया लिखा रहता था उनकी चेस्ट पे, तो देख के ये होता था कि एक बार ये लिखवाना है जरूर, तो जहाज भी ज़्यादा तो ऊपर से यार इसमें जरूर बैठना है। मम्मी बेटा फिर कट्ठे रहा करेंगे तो दूर दूर है मम्मी बेटा, अपने बच्चे की दूरी किसी ने याद नहीं आती है। गर्व की बात है, कई दफ़ा फोन आता है लोगों से भी, बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुँच गया, सब पूछते। इससे पहले कौन जानता था, कोई पूछता भी नहीं था। अब सभी आस पास के जितने भी दूर दूर दराज तक के भी लोग, अदर स्टेट के भी जो जानकार हमारे, उनका फोन आता है बच्चा हमारा कहाँ तक पहुँच गया, सभी को उम्मीद दे। बहुत ही गर्व की बात है, बड़ी सीना चौड़ा होता हमारा जब मतलब हमारे बच्चे के बारे में हमसे कोई पूछता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे 10 साल में पहली बार इतनी लंबी छुट्टी मैंने मनाई है घर में, यानी तो 1 दिन 2 दिन ज़्यादा था, वो भी 3-4 महीनों में एक आधी बार। अभी सर फैमिली के साथ टाइम दिया पूरा अच्छे से। मैं आइल ऑफ मैन गया था, छोटा सा लैंड है, तो वहाँ पे मैं बहुत घूमा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। बाइक रेसिंग बहुत फेमस है वहाँ की, ज़्यादातर मैं कजाकिस्तान भी ज़्यादा रहता हूँ, तो अब तो कजाकिस्तान भी ऐसे ही मतलब ये घूमते घूमते ऐसा लगता है कि कहीं भी निकल जाओ वहाँ। तो इंडिया में मैं गंगटोक गया था, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे जब मैं मार्केट में निकला तो सबसे लंबा मैं लग रहा था वहाँ पे, सभी देख के कह रहे थे ये यार इतना लंबा आ गया ये, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वो शहर भी अच्छा था, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से बातें करते थे। अभी कोई शादी का कोई प्लान नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं मुझसे 3 साल बड़े हैं, मेरे दूसरे भाई हैं कज़न ब्रदर हैं, तो घर में अभी बहुत बड़े बच्चे हैं, मेरा तो लास्ट में नंबर आता है, तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं है, क्योंकि अभी बॉक्सिंग भी देखना है तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। रिकॉर्ड हो रहा था।